हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आटे से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, आज हम आटे से बनाएंगे बहुत ही बढ़िया नाश्ता, जिसे कि आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर हल्की फुल्की भूख हो तब भी इसे बनाकर खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 से 1.5 कटोरी आटा लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये आटा यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच घी। और फ्रेंड्स, अब इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हो तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। तो देखिए, मैंने ये नमक डाल दिया है इसमें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कि मैंने इसमें मोइन डाला था, उसे हमें अपने आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आटा बारीक पीस रखा है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ऐसा बिल्कुल मैदे की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। आटा आपको बिल्कुल बारीक ही लेना है इसमें। अगर आप बारीक आटा लेंगे तभी आपका ये नाश्ता स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैं इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हमारे आटे में हमारा जो मोइन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी इसमें मोइन थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मोइन और डाल लेती हूँ इसमें। जो थोड़ा सा कटोरी में बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। और इसे फिर से दोनों हाथों के बीच में इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आटे में काफ़ी अच्छे तरीके से मोइन को मिक्स कर लिया है और ऊपर से 2 चम्मच और डाल लिया है। ज़रूरी कि आप एक साथ ही एक ही बार में डालो, थोड़ा थोड़ा करके जिस प्रकार मैंने आपको बताया इसी प्रकार आप इसमें मोइन डाल लेना। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें मोइन कितना और कितने मोइन की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मैं अब आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप इस तरह मुट्ठी बंद करो तो ये लड्डू बनकर तैयार हो जाए, इतना मोइन आपको इसमें यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जब आपके आटे में इतना मोइन हो जाए तो इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा अपने आटे के अंदर। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें इसका बहुत ही अच्छा आटा तैयार करना है। कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, पानी नॉर्मल है, मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है। ना तो आपको इसे गर्म करना है और ना ही आपको इसे बिल्कुल चिल्ड लेना है, यह बिल्कुल नॉर्मल पानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालती रहूँगी और इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगी। तो नॉर्मली जैसा रोटियों का आटा होता है, आपको यह आटा वैसा ही तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। अब मैं इसे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा चिकना हाथ लगा दूंगी, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और अब हम इसे एक कपड़े से इस प्रकार ढक देते हैं। तो देखिए, अब कुछ देर के लिए मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक खाली पैन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गैस पर एक पैन रख लिया है और पैन के अंदर हम डालेंगे तड़का। तो मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून घी। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसमें 1 स्पून घी डाल दिया है, बिल्कुल छोटे चम्मच डाला है। तो देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। तो थोड़े से डालेंगे हम सरसों के दाने। और फ्रेंड्स, इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया हुआ है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब इसमें जाएंगे हमारे आलू। तो देखिए, मैंने ये आलू में पहले से ही प्याज काट कर मिक्स कर रखे थे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये आलू प्याज का मिक्सचर बना दिया है। और इसी में अब डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, ये मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है। और इस पेस्ट को हम अच्छे से मसल की बढ़िया सा बना लेंगे। तो देखिए, हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक साइड में रख दूँगी। आलू आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि जितना आप ये नाश्ता बनाना चाहो उतने ही आप इसमें आलू यूज़ कर सकते हो। अपने गैस पर ऑयल रख देती हूँ ताकि गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने अपना चॉपर ले लिया है, या फिर आप चकले पर भी इसे बढ़ा सकते हो। और अब हम अपने आटे में से लेंगे छोटी सी बॉल्स, यह बॉल्स ले लेनी है। इसकी हमें रोटियां बनानी हैं।
तो इस प्रकार मैं इसी पर इसकी रोटियां बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इस कटोरी में 2 चम्मच मैदा ले लिया है, या फिर मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हो। और इसमें हम मिलाएंगे घी। तो देखिए, घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर नमक डालना पसंद करो तो आप नमक भी ऐड कर सकते हो, और इसका काफ़ी अच्छा आपको पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। आपको इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, घी का और उसका यह पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं एक साइड में रख लेती हूँ और अपनी ये रोटियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें सूखा आटा या कुछ भी नहीं लिया है। इस प्रकार मैं इसकी बड़ी बड़ी रोटियां बेल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप आटे की लोई इतनी ही लीजिएगा जितनी आप रोटी बेलना चाहो। तो आप साइज़ देख सकते हो, जितना हमारा पतला साइज़ और बड़ा साइज़ बनेगा उतना मैं इसका बना लूँगी। तो देखिए, मैं इस प्रकार इसे एक साइड में रख लेती हूँ और फिर से मैं इसमें से बॉल्स लूँगी। इस प्रकार हमें 3 से 4 रोटियाँ इसी प्रकार बना बना के एक साइड में रख लेनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने ये 3 से 4 रोटियाँ बना ली हैं। इस प्रकार देखिए, ये 4 रोटियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, इसलिए मैं अपने इस फर्श की सहायता से इसे बड़ा बनाऊँगी। तो मैंने ये स्लेब पर रख लिया है और इसके ऊपर जो मैंने आटा गूंथा था, आटे में घी मिलाया था, वो इसके ऊपर सारे के ऊपर फैलाऊंगी। एक एक चम्मच इसके ऊपर डाल के इसे चारों तरफ फैला लेती हूँ। तो देखिए, मैंने चारों रोटियों को एक एक करके इसके ऊपर रख लिया है और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा आटा। नीचे की तरफ भी लगा लेती हैं और ऊपर की तरफ भी, ताकि ये हमारी स्लेब पर चिपके नहीं। और इन्हें अब बेलन की सहायता से इसे जितना बड़ा यह है बेल जाएगा उतना बड़ा इसे बेल लेंगी, क्योंकि अब आपको इसे काफ़ी पतला भी बेलना है। तो देखिए, आप देख सकते हो मैंने इसे काफ़ी बड़ा बेल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छी गोलाई आ चुकी है और यह आकार में भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब आपको इसी प्रकार इसे बेल कर, बिल्कुल पतला बेल कर इसे इस प्रकार रख लेना है। और अब इसे कट करूँगी चकूटा, ये मैं अब आपको दिखाऊँ। तो देखिए, इस प्रकार मैंने इसे काफ़ी बड़ा बेल लिया है। अब इसे हम चाकू की सहायता से या फिर किसी भी कटर की सहायता से इसे चकूटा काट लेते हैं। तो देखिए, मैं इस प्रकार इसे साइड में से, तो देखिए मैं इस प्रकार इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है इस प्रकार, देख सकते हो आप। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे चारों तरफ निकाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब इसकी हमें इस प्रकार इसे काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे भी इसी प्रकार कट कर लूँगी और इसे इसके 5 या 6 जितने भी आप पार्ट बना सको उतने बना लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस प्रकार इसे बना लिया है। देखिए, बिल्कुल मोटे नहीं हैं। इसे हम एक साइड में रख लेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा लूँगी और इसे इस तरह ऊपर से बंद कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ पानी लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपना आलू, जो कि अभी अभी मैंने, और अब हम इस तरह इसे बंद कर देंगे और दूसरी तरफ का भी हम इस प्रकार बंद कर लेंगे और दोनों को एक साथ इस प्रकार इसे मिला देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो मैंने इसे इस तरह प्रेस कर दिया है, दबा के चारों तरफ से बंद कर लिया है। तो आपका ये नाश्ता इस प्रकार बनकर तैयार हो जाएगा। सभी को हम एक एक करके इसी प्रकार तैयार कर लेते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे आपको 2 तरीके से बताऊंगी। जिस तरीके से आपको बंद करना अच्छा लगे उस तरीके से बंद कर लीजिएगा। तो देखिए, आप इसे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए, इस प्रकार मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दिया है
इस तरीके से आप इसे एक बड़े ही नॉर्मल तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं इसे एक साइड में ट्रे में रख लूँगी, एक एक करके मैं सभी को इसी तरह तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये इस प्रकार बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर अपना तेल गर्म कर रखा है, आप देख सकते हो। तो एक एक करके मैं इसमें इसे छोड़ दूँगी। आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं कर बनाना है। अगर हाई फ्लेम पर आप इसे बनाओगे तो आपके यह खुल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे लो फ्लेम पर इसमें धीरे धीरे डाल दिया है और एक एक करके अब इसी तरह सिक जाएंगे लो फ्लेम पर। तो धीरे धीरे आप इसे इसी तरह बनने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें कढ़ाई में से निकाल लिया है फ्राई करके, आप देख सकते हो। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो यह बिल्कुल मिनी समोसा बनकर तैयार हुआ है। अब इनमें से मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी और कितना कुरकुरा बना हुआ है। देखिए इनकी लेयर बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।